गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देखते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.5 प्रॉब्लम नंबर 16। यहां पर एक रेशनल फंक्शन दिया हुआ है 1/(x)(n+1), इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा और आई से रिप्रेजेंट किया। तो यहां देखते हैं, यहां x^(n+1) है, तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। सिंपल ऐसे बनाते हैं कि x^(n) है और प्लस वन है, तो इसको x^(n) को अगर हम टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप मान लीजिए x^(n) को अगर हमने टी मान लिया, तो हमारा क्या मिल जाएगा, t+1 ऐसे आ जाएगा, t+1 आ जाएगा ये। अब t+1 आएगा और उसके बाद तो इस ऐसे में इस कंडीशन में ये लीनियर फैक्टर बनेगा, और लीनियर फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन करना थोड़ा इजी होता है। और इसको देखिए, जब x^(n) को हम t मानेंगे, तो जब t सब्स्टिट्यूट यहाँ पर t का फंक्शन बनाएंगे, तो dx को भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो nxn-1, ये आप रफ वर्क करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, nx^(n)dx और क्या आया dt। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखिए इसको देखिए x^(n-1) को, यानी x^(n-1) dx यहाँ पर क्या है, dt/n, हमें केवल इससे लेना देना है, बस इसको देखना है इसको, यानी x^(n-1) भी यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो हम अपनी वैल्यू की यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x^(n-1), अच्छा चलिए x^(n-1) कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें न्यूमरेटर में लाना है, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x^(n-1) आ जाएगा। उसके आने के बाद क्या, अब x^(n) से जब x में मल्टीप्लाई करेंगे, x^(n-1) में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा x-1 और +1, यानी x^(n), ये तो बड़ा आसान हो गया, यानी इस कंडीशन में इस फॉर्म में आ गया x^(n) एंड x^(n) और अगर हम t मान लेंगे, अगर हम t मानते हैं x^(n) तो और x^(n+1) तो एक काम करते हैं, रुकिए थोड़ा सा ये आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, x^(n) आ गया, तो अब x^(n) है, तो हम तो बड़ी इजीली इसको क्या करेंगे, इसको t मान सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो x, अब आगे देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं, ये तो आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए, यानी हर हाल में xn-1 ले आना है, अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तब, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे पहला काम जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x^(n-1) से, तो x^(n-1) से जब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, ये तो x है x^(n-1) और ये x पहले से है, और ये x^(n+1) और ये हुआ dx। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x^(n-1), अब आप यहाँ देखिए x^(n) और x का जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया इसका, तो x^(n) आ गया, तो यहाँ पर सीधा हो गया x^(n), और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है x^(n+1), और यहाँ आया dx, एकदम इजी हो गया कि नहीं हो गया। अब हम मान लेंगे लेट x^(n) को हमने मान लिया t, अब t मान लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो nx^(n-1) dx और यहां आया dt, तो x^(n-1) dx, तो ये हो गया dt/n। अब इंटीग्रल जब वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t के फॉर्म में आएगा, तो जब t के फॉर्म में आएगा, आप देख लीजिए x^(n)dx की जगह पर तो हम रख सकते हैं dt/n रखेंगे, तो एक मिनट देखें, आपको नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा हो तो उधर लिखे, हाँ एक लाइन लिखा जा सकता है, तो x^(n)dx की जगह पर तो हम रख देंगे dt, चलिए dt रख देंगे 1/, और नीचे क्या है x^(n) को हमने t माना हुआ है, तो यहां रख देंगे t और फिर ब्रेकेट में t+1 और यहां पर आएगा dt/n। ये इस तरह से तो हम लोग यहां तक सॉल्व कर लिए हैं, अब यहां तक आप कॉपी कीजिए, तो इंटीग्रल जो है हमारा t के फॉर्म में आ गया। अब देखिए
लीनियर फैक्टर हो गया। अब लीनियर फैक्टर हो गया बड़ा आसानी से, क्या करेंगे इसको, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, इधर इरेज करके आपको आगे बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, अब हम इसके आगे एक सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल जो है हमारा वो है, अब वन अपॉन एन को हमने ले लिया बाहर, वन अपॉन को जब बाहर लिया तो आया वन अपॉन टी टी, और यहाँ पर है टी प्लस वन, और ये हुआ आर डी टी। अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करेंगे, लेट वन अपॉन टी लीनियर फैक्टर है, वन अपॉन टी वन अपॉन टी और टी प्लस वन को हमने एक पार्शियल फ्रैक्शन वन अपॉन टी मान लिया, और इसके बाद प्लस दूसरे को मान लिया बी, और यहाँ पर टी प्लस वन। अब जैसे आगे सॉल्व करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करेंगे। टी ब्रैकेट टी प्लस वन है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये तो इधर मिल गया हमें वन, और यहाँ ए आएगा और टी प्लस वन, और यहाँ पर बी है तो टी प्लस वन कटेगा तो बी टी आएगा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे टी के कोएफिशिएंट का कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ए हो गया ए टी प्लस, ऐसे करते हैं, और एटी हो गया, और इस बी टी को हम यहाँ ही रख लेते हैं, टी तो क्या कॉमन लेना आसान है। चलिए चल ए प्लस बी और टी, अब वन ये हो गया, अब ए टी और बी, यहाँ से टी कॉमन लिया तो ए प्लस बी आया, ए प्लस बी, और ये हो गया टी, और यहाँ आ गया टी। अब कंपेयरिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी एंड कांस्टेंट टर्म, टी एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम कंपेयर करेंगे। तो ए प्लस बी यानी टी का कोएफिशिएंट ए प्लस बी है, और यहां पर तो टी है ही नहीं, तो जब नहीं रहता तो जीरो इंटू टी मान लेंगे, यानी जब नहीं है तो ए प्लस बी जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस बी मिला जीरो। अब यहां पर कंपेयर करते हैं तो देखिए ए इज इक्वल टू वन आ गया सीधा सीधा, कांस्टेंट ए इधर कांस्टेंट टर्म, तो ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, वन मिल गया। तो अब जब ए की, अब यहीं से तो वी निकल जाएगा ना, यहां पर रखेंगे तो वी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी नेगेटिव वन। तो इस तरह से हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हमें पता चल चुका है। तो आप यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद इधर इरेज करके आपको हम आगे बताते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हम जब हमने ए और बी की वैल्यू निकाल लिया तो हमारा एग्जैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हमें पता चल गया, और वह है वन अपॉन टी टी प्लस वन। तो यहाँ देखिए टी प्लस वन है ये इस तरह से, तो इसका तो हमें पता चल गया, एक तो आएगा क्या चीज वन, एक ही जगह पर वन रखेंगे तो वन अपॉन टी, और प्लस इसके बाद टी प्लस वन है यानी बी रखेंगे यहाँ बी बी, और माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा करते हैं आप सीधा माइनस लिख लेते हैं, माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, ये इतना आ गया, और ये पार्शियल फ्रैक्शन पता चल गया है। अब तो एकदम इजी हो गया यहाँ पर, अभी हाँ आते हैं अपने इंटीग्रल पर। तो ये इंटीग्रल हमारा जो था वन अपॉन एन, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, तो एक तो आएगा वन अपॉन टी और उसके बाद माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, और ये हो गया डी एक्स। अब इसके बाद वन अपॉन एन, अब वन अपॉन एन है, अब इसको सेपरेट करते हैं, इसको सेपरेट करेंगे तो वन अपॉन टी और इंटीग्रल साइन के साथ इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ब्रैकेट ही बना दिया क्योंकि दोनों में कॉमन है, और वन अपॉन टी डी टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, और ये हुआ डी टी।
ये हमने बंद किया, ये हो गया 1 upon t, इसको इवेल्युएट करेंगे तो log log t माइनस, ये भी देखिए एग्जैक्ट इसका डेरिवेटिव 1 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी एग्जैक्ट इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर मिल रहा है तो इसका लॉग लगाते हैं इसी कंडीशन में, लॉग टी प्लस 1 प्लस सी, तो और ये हमने इसको किया ब्रैकेट में बंद किया। अब ये देखिए, अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो 1 upon n और लॉग लॉग हो जाएगा टी अपॉन टी प्लस 1 और प्लस सी, लेकिन टी की वैल्यू में रखना पड़ेगा 1 upon n, हाँ दिख रहा है 1 upon n है, और लॉग लॉग टी को हमने क्या माना हुआ था, x टू द पावर n माना हुआ था, और यहाँ पर भी x टू द पावर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये इंटीग्रल हमारा इवैल्यूएट हो गया यहाँ तक आ गया। अब तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार इसको आप सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एडवांस आपको सोचना पड़ेगा। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बताते हैं। थैंक यू।